मतलब आपका कहना यह है कि हमको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं, आपका नहीं, आपकी पार्टी का क्या कहना इन सारी चीजों पर, वो हमें जब दिखाना होता है तो हम दिखाते हैं, जरूर दिखाते हैं, लेकिन हर वक्त हमें हम कोई जिम ज्वाइन नहीं की है कि थोड़ा सा वजन उठाए और आईने में देखे कितना बात छिड़ी है। तो हम लोग अभी 11 अगस्त की भी बात कर ही लेते हैं। 11 अगस्त के बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया था। आपने कहा कि मोर्चा निकालने वाले निकाल सकते हैं। आमतौर पर यह देखा गया था कि इस तरीके की घटना होने के बाद शिवसेना सड़क पर उतर आती थी। मैं भी तो आया था, लेकिन हम एक जिम्मेदार पक्ष है। मोर्चा निकालना अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं थी। मैं तो अपेक्षा कर रहा था कांग्रेस भी मोर्चा निकाले, राष्ट्रवादी भी निकाले, और मैं तो अभी भी अपेक्षा कर रहा हूं कि आप पत्रकार लोग भी मोर्चा निकाले। देखो, ये हमारे ऊपर कुछ नहीं आया, हम सारे लोग अपने अपनी जगह पे थे। मुझे तो फिलहाल डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आराम करो, तो मैं घर पे था। मेरा क्या बिगड़ा है? और मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, इसलिए मैं शांत रहा, ये बात गलत है। अगर हम उतरते तो बाकी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्या होता। लेकिन हम भी एक जिम्मेदार पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, हमारी भी एक जिम्मेदारी है, और बिना वजह कुछ करे ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपका कहना है कि बात बिगड़ सकती थी, अगर शिवसेना बिगड़ सकती थी, लेकिन फिर भी जो मोर्चा को समर्थन मिला इतनी बड़ी संख्या, लेकिन आगे क्या हो गया? समर्थन तो मैंने भी उसकी तारीफ की ना, मैं तो कहता हूं सब लोग, बाकी पार्टी क्यों नहीं आई रस्ते पर। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके के मोर्चे से राजनीतिक फायदा होगा शिवसेना? कम से कम मैं इतना कहता हूं कि शिवसेना राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कुछ करती नहीं है, जो देश के हित में है वही हम करते हैं। अब देखो, ये आतंकवादी कार्रवाई से इलेक्शन से क्या लेना देना है? 26 नवंबर की जो बात हुई थी उसके बाद भी बड़े आश्चर्य की बात है, कांग्रेस चुनकर आई लोकसभा में, और उसके बाद और एक आश्चर्य की बात हुई, 11 अगस्त के बाद शिवसेना के सांसदों ने मुंबई की आवाज वहां बुलंद की दिल्ली में, लेकिन मुंबई के सांसदों ने कुछ बताया बोला कुछ पता नहीं, मुझे आवाज बुलंद नहीं किया। आवाज बुलंद की बात छोड़ो, मुंह भी नहीं खोला। आपने भी बोलते बोलते कहा कि कुछ लोग अभी कुछ दिन बाद शिवसेना जिंदाबाद भी कहना शुरू करेंगे, आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं इस तरीके का आपका। यह आक्षेप आपका पहले भी था, इससे पहले आपने देखा कि मराठी का मुद्दा था, तब भी आपने कहा कि यह मुद्दा हम उठा चुके हैं। अब जो पाकिस्तानी कलाकारों का मुद्दा है, ये भी आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो हमारा ही है। हमने तो क्रिकेट की मैच, वो वानखेड़े में हो या फिरोजशाह कोटला में हो, उस वक्त स्वयं आडवाणी साहब आए थे घर पे, वो देश के गृहमंत्री थे, या मुझे लगता है उस वक्त वो उपपंतप्रधान भी थे, और वो भी आए थे, लेकिन बाला साहब ने नहीं मानी थी बात। ये देश पहला, बाद में बाकी सारी बातें होती, और उस वक्त हमारे बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, खेल और राजनीति एक एक क्यों करते हो? अब जैसे आपने कहा कि कलाकार कला और राजनीति एक क्यों करते हो? सवाल राजनीति और कला का नहीं, देश जो है, अच्छा राजनीति और खेल एक नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे खिलाड़ी राजनीति में आते हैं, उसका क्या? तो ऐसे नहीं होता है। यहां पर बात राजनीति और कला की सिर्फ नहीं है, यहां पर मुद्दा यह है कि एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा दूसरी राजनीतिक पार्टी उठाकर उससे उस पार्टी का अपना वजूद तैयार हो रहा है, यह भी एक कहीं ना कहीं यहां पर नहीं, हमारे देश में प्रजातंत्र है, किसे क्या कहना चाहिए? मुझे आपको फॉलो करना है तो मैं फॉलो कर सकता हूं जी, आप कैसे मुझे रोक सकते हो? लेकिन जब आप अस्पताल में थे तब यह बात कहना जरूरी इसलिए क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी। आपके राज ठाकरे आपके भाई खुद वहां पर आपको लेने के लिए आए, आपके साथ में कुछ लोगों को दुख भी हुआ। नहीं, बात उसमें ये है, दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है, दो भाई आपस में मिल रहे हैं, उसमें अच्छी बात, खुशी की बात है, बिल्कुल।